हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और सालवी की रसोई हिंदी में आपका वेलकम है। तो मेरी आज की रेसिपी है छोला। तो छोला कैसे बनाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि छोला कैसे। छोला बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। तो देखिए, हमने 250 ग्राम छोला लिया है और इसमें से 6 से 7 मीडियम साइज की प्याज ले ली है, एक नींबू, 2 हरी मिर्ची और 1 कटोरी जो छोला है ग्रेवी गाढ़ा होने के लिए मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। ये बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। तो इसको पीस के और उसके बाद जब मैं मसाला फ्राई करूँगी उसमें इसको डाल दूँगी। और देखिए, 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है और ये गल चुका है अच्छे से। और प्याज हमने काट लिए हैं तो प्याज को मैं भी ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, प्याज भी ग्राइंड हो चुका है और इसमें जो हमने छोला पीस के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दी हूँ। तो जो तेल गरम करने के बाद उसमें जीरा और राई का भी तड़का आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जीरा ही फ़ौरन में डाला था। और इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, मसाला जो है वो हल्का सा ब्राउन हो रहा है, बिल्कुल भुन के रेडी है। जब मसाला अच्छे से पक जाए तो इस मसाले में मैंने क्या किया है, टमाटर की प्यूरी, प्याज और लहसुन सब एक साथ डाल दी हूँ। इससे क्या होगा कि जब प्याज अच्छे से पकेगा उसके साथ साथ सारी जो भी है मसाले हम इसमें डाल रहे हैं वो सब पक जाएगी। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें इसमें। और उसके बाद जो हमने छोला बॉईल करके रखा था उसको इसमें डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो छोला 250 ग्राम देखिए कितना ज़्यादा हो गया है फूलने और उबलने के बाद। और इसमें जो हमने 1 कटोरी रखा था ग्राइंड करके वो भी इसमें डाल दी थी। और ये जो है वो छोला पाउडर है, छोला मसाला पाउडर जो होता है वो 1 से 2 चम्मच डाली हूँ। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। मैं इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि हेल्थ के हिसाब से मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, छोला बन के बिल्कुल रेडी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। छोला आप किसी सब्जी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, कैसे भी आप खा सकते हैं। अगर आपको चटपटा हो छोला ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 नींबू डाल सकते हैं। मैं इसके रेडी होने के बाद 1 लेमन जूस पूरा निकाल कर डालूँगी इसमें। तो देखिए, ठंडा होने के बाद कितनी इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल सूख गई है और छोला बिल्कुल रेडी है। तो अगर ये मेरा ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो मेरे आइडिया के हिसाब से आप भी बनाएं और टेस्ट करें। बाय बाय।